कोरोना वर्गी महामारी तो तुसी देखिया कि लुधियाना दे विच जिहड़े पीड़ित सामने आए उस तो बाद एक महिला की मौत भी हुई तो हुण जिहड़ा इलाके दे विच सैनिटाइज किया जा रहा तुसी देख सकते हो लोग जिहड़े गरीब लोग ने उन्होंने वास्ते लंगर की व्यवस्था भी की जा रही है तो नाल ही अगर गल करिए इत्थे जिहड़े समाज सेवी साढ़े नाल ने हर समय लोगों के नाल जुड़े रहते हैं असीं उन्होंने गल करने की कोशिश करांगे। कर रहे हो की मकसद लेके चलते हो? सर करोना करके जिहड़े लोग गरीब लोग घर बैठे ने राशन का प्रबंध नहीं सरकार बहुत बड़े यतन कर रही है पर कल्ले सरकार का कम होने वाला है नहीं क्योंकि बड़ी लड़ाई है इसलिए पब्लिक नूं संगत नूं भी उठ के सामने आना पैना सी। अज वार्ड नंबर 46-48 की संगत वास्ते हलका आत्मनगर की अज लंगर का प्रबंध किया बकायदा पुलिस अफसर का पूरा सहयोग है इंस्पैक्टर अमरपाल जी टेक सिंह हौलदार साहब ये बिच ने लाइना लवाइया गई तुम देख सकते हो लाइना लवा के जिथे पब्लिक बैठी उन्होंने पहले सैनिटाइज करके हूँ इन्हों लंगर जोड़ा सरकार वालों के नवे आदेश भी जारी किए गए थे कि 1000 बंदे तो घट का लंगर जोड़ा है कोई भी वरताया नहीं जाएगा तुम कि 1200 बंदे का लैके आए जी 1200 बंदे का लंगर तैयार करके लैके आए हैं तो जोड़ा इन्ना मतलब घट तो घट 70-80 परिवारों जोड़ा सुक्का राशन है वो शिमलापुरी वार्ड नंबर 43 36 के इलाक जोड़ा मैं अज भेज के आया पसे तुसी लगे हुए हो तुसी भी इस इलाके तो आत्मनगर हल्के तो तुसी कितने ना कितने हल्के के इंचार्ज हो तो तुसी सेवा कर रहे हो तुसी अपने वालों सेवा कर रहे हो कि सरकार दी कोई मदद है? ये मैं कहना भी जे सारा कुछ अज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी होना दिता है ये मेरी निजी सेवा है पर मैं सारा आशीर्वाद कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी जी सारिया लीडर जिहड़ियां पार्टियां ने राजनीतिक पार्टियां यही बेनती करना कि पार्टी वाइज तो उपर उठ के ये जी सेवा की जाए अज वार्ड नंबर 47 के राशन देन गए ही तो साड़ी जी टीम का एक लड़का कहना जी ये तो अकाली है जी इनू दे दिए मैं कहना अज सिर्फ मानस की जात सब एक पहचान वो अज कोई अकाली कोई कांग्रेसी कोई भाजपा ही नहीं अज सिर्फ एक संगत है उसकी सेवा कोई वोट दिला मनुखता की सेवा लई तुसी देख सकते हो पहला इस इलाके नूं सैनिटाइज किया गया उस तो बाद जिहड़ा कि उन्हां नूं लंगर की सेवा दी जा रही है पुलिस कर्मी भी साढ़े नाल मौजूद ने असी उन्हां तों भी जानना चाहांगे सर तुसी की कहना चाहोगे इस समय 1300 बंदे नूं लंगर सकार रहे हैं जी 1300 सारिया नूं इकट्ठा करके कुलवंत संधु जी वालों यह सेवा की गई है जी तो ज अपने ये धक्का कलोनी दे विच सारी सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं जी पुलिस अफसर भी जिहड़े हैगे इस सरकारी सेवा दे विच जिहड़ी लगे हुए ने ते नाल ही इन्हां समाज सेवी संस्थावां दे नाल जुड़े हुए ने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੀ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੀ ਗੁਆਂਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੀ ਗੁਆਂਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਵਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।